आमदार बनाना चाहते हैं तो मैं नगर सेवक पद तो मैं 4 बार जीत के आ चुका हूं, मुझे नगर सेवक पद से कोई लेना देना नहीं है। मजलिस ने जब आमदार का कैंडिडेट के लिए मुझे खड़े करने की खुशी रखी तो अल्लाह ताला ने मुझे आगे कामयाबी के एक आगे की मंजिल दिखी, तो मैं ये मंजिल किसके भरोसे पे यह किया? आप सभी लोगों के भरोसे के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ने के बारे में सोचा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का इतना अच्छा ताउन रहते हुए मुझे ऐसा लगा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत अच्छी जमात के साथ जुड़ाने का मौका दिया। खिदमत करने का काम करने का एक बड़ा जिम्मेदारी का काम मुझे जमात की तरफ से मुझे मिला है। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, अभी आगे है कि नहीं विधानसभा इलेक्शन जो भी जीत के जाते एमएलए बोले तो वो एमएलए का एक काम रहता है कि अपने जो शहर के अंदर जो भी स्कीम्स रहते जैसा कि प्ले ग्राउंड के लिए जो आमदार के लेवल का काम आमदार अपने तौर पे करना चाहिए, तो अभी तक जो भी आमदार चुन के आ रहे वो अपने एरिया से चुन के आ रहे पर अपना काम करने के लिए उन्होंने चुन के अपना काम के लिए उन्होंने कभी भी इरादा नहीं रखते हो। हम कई बार बोले कि ज़िरात के अंदर बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड के लिए ये जगह रिजर्वेशन कराइए, नहीं नहीं बोले गवर्नमेंट का ये है बोले नहीं मिलती बोले आप अपने को बोले। तो जब भाई कि नहीं हमको कोई चीज़ नहीं मिलती तो हमारा खाली वोट ही तुमको मिलना क्या, हम ही खाली वोट दे दे रहे आपको और आप जीत के आ जा रहे बार बार। दूसरी बार ये जो किला है अपना यहाँ पे का किले के अंदर है कि नहीं गवर्नमेंट से इससे पहले 2014 में हमने कोशिश करके जो सिटिंग एमएलए था उससे कि नहीं फंड्स लाके वो किले का है कि नहीं पूरी रिपेयरिंग करे कि भाई यहाँ पे कि नहीं पर्यटक आना अपने बच्चे जाके देखना कि बचपने में किला अपने शहर के अंदर है बोल के, तो उसको भी है कि नहीं तवज्जो नहीं देने की वजह से क्यों कि भाई हमारे एरिया में कोई भी चीज़ का डेवलप का काम उनको देखना ही उनके दिल में लगता देखना ही उनको अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम लोग हैं कि नहीं बेखूबी समझो अपने काम को छोड़ के उनके पीछे अपना पूरा वक्त ज़ाया कर दिए। अब हमको तकलीफ ये बात की है कि अल्लाह ताला ने अभी मुझे है कि नहीं उम्मीदवार बोल के MIM की तरफ से अच्छी खासी आप लोगों की ताउन मिल रहा मुझे जहाँ जा रहा हूँ वहाँ, तो मुझे बदनाम करने का एक नया बात चालू कर दी है उन्होंने कि भाई मुझे कोई दूसरी पार्टी ने खड़ो करा ये खड़ो करा। अरे भाई जब तुम्हारे में दम रहता था तो तुम भी खड़े रह के बताना था ना, ये लोग तुम्हारे साथ भी तो आ सकते थे ना, तुम क्यों ना हिम्मत नहीं जुटाए, तुम्हारे में भी तो हिम्मत है ना, 20 साल से तुम भी तो राजकारण कर रहे ना, तुम कौन से एरिया में राज कर रहे कि जहाँ अपने ही लोग अपने को छोड़ देने का और अपना अपन खामोश बिठा देने का, क्यों क्या बात है ऐसा उसको डराना धमकाना, लोगों है कि नहीं जुल्म कितना सहेंगे आखिर को वो, अब मेरे सामने आने को तो दम नहीं है उनका, तो इस तरीके की अफवाहें चला रहे। और इलेक्शन तो अभी ये 20 दिन का 15 दिन के अंदर ख़त्म होने वाला है, इंशाल्लाह मैं कामयाब होने वाला हूँ, फिर वो लोगों को मैं कैसा देखूँगा बाद में ये उनको भी मालूम है, साबिर शाउस जो बोलता वो करके दिखाता। हाँ इंशाल्लाह ताला आप लोगों का सर झुकने नहीं दूंगा, और भी कोई भी काम क्यों नहीं रहेगा आधी रात के लिए आपके लिए खड़े रहूंगा इंशाल्लाह, मंत्रालय के अंदर आप लोगों को मेरा पर्सनल रूम तुमको दे दूंगा, आमदार बोल के मैं रूम में भी नहीं रहूंगा। हम इतने नगर सेवक चुन के जाने के बाद हमने MLC को वोट दे के हमको रूम नहीं देते उन्होंने रहने के लिए, क्यों? तो अबे हम तुमको वोट दे के पर्सनल वोट दे के MLC को हमको चाबी मांगे तो हमको रूम भी नहीं दिया जाता। इंशाल्लाह हर वोटर को मेरा रूम सबके लिए बम्बई के अंदर खुला रहूंगा। आप मुझे कामदार बनाइए, आमदार आप रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जितने अभी मेहमान आए वाले हैं कुछ बात करना चाहते हैं वो है कि नहीं गौली समाज से है, उनका ये कहना है कि भाई हमारे भी कुछ समाज के लोग आपसे मुलाकात करके बात करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा भी जगह छोड़ के जाइए मत, अपने पास जो हाँ बोलता ना ठहरो तो दो मिनट अपने पास कोई जो भी मेहमान आते हैं वो आपको समझाने के लिए आते, आप उनकी थोड़ी 2-5 मिनट बात करने का। कोई उम्मीदवार आगे बढ़ने वाला नहीं है, इतिहास गवाह रहेगा आप लोगों के सामने। नूरुल्लाह खान साहब आके चले गए, बाद में नगर सेवक को खड़े तो जीत के नहीं आ सके, अपने लोग इतने समझदार है, जब उनको देने का रहा था जब जज्बात में रहते जब सोचते, जज्बात ख़त्म हो गए जब सब भूल जाते, तो आप इंशाअल्लाह इतिहास गवाह रहेगा। ये जो इलेक्शन है अपने इंशाअल्लाह ताला 40 साल के बाद कोई अपना उम्मीदवार विधानसभा के लिए इतनी भरपूर तादाद में आप लोगों का ताउन रहेगा, आप इलेक्शन में खड़े आले हैं
और आप खुद खुद को वोट डाल रहे, लोगों को संभाल के लग जाइए। और लोग बहुत सारे कोशिशें करने वाले, अफवाहें पैदा करने वाले, यहाँ झगड़ा होगा, यहाँ पे ये कर दिए, वहाँ उसको मारे, ये है कि नहीं, पूरे अफवाहें। थोड़ी समझदारी रखिए आप लोग और एकदम आराम से अपना जो काम है बहुत बढ़िया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम का आपको माइक के ऊपर बोल नहीं सकता हूँ, मेरा मैं जो जो कर रहा हूँ मैं पर्सनली है कि नहीं लोगों में जाके मिल रहा हूँ। अब इंशाल्लाह ताला अगली बार मैं है कि नहीं MLA बनने के बाद इससे अच्छा बात करके आपको है कि नहीं और बोले तो आप काम करने का तरीका देखे और बात करने का भी तरीका इंशाल्लाह आपको मैं मेरा बताऊंगा। इतना कहता हूँ और मुझे आपका ताउन भरपूर रन दो, 10 दिन आप मेरे लिए करो, 5 साल मैं आपके लिए इंशाल्लाह काम करूँगा। इतना कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर चाऊ साहब।